बात करते हैं सबसे पहले किशनगढ़ बांस नगर पालिका की। यहां भाजपा प्रत्याशी तारामणि सिंगल विजयी रही। यहां 25 वार्ड पार्षदों में तारामणि को 16 व कांग्रेस की हेमलता को 9 मत दिए गए। यहां भाजपा की जीत हासिल करने में पूर्व विधायक रामहेत यादव व बनवारी लाल सिंगल की रणनीति काम आई। यहां से विधायक दीपचंद खैरिया के विधायक व प्रदेश में उनकी सरकार होने के बावजूद वह मतदाताओं को आकर्षित नहीं कर पाए। बात खैरथल नगर पालिका की, जहां भाजपा का बोर्ड बना है। यहां से भाजपा के हरीश रोगा विजयी हुए। यहां 35 वार्ड पार्षदों में भाजपा प्रत्याशी हरीश रोगा को 21 व कांग्रेस प्रत्याशी विक्की चौधरी को 14 मत दिए गए। यहां भी भाजपा का बोर्ड बना है। यहां भी पूर्व विधायक रामहेत यादव व बनवारी लाल सिंगल की जोड़ी कामयाब रही। इस दौरान अलवर सांसद बाबा बालकनाथ भी खैरथल पहुंचे और भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को बधाई दी और जनता का भी आभार जताया। इसमें सबसे बड़ी रणनीति वहां काम आई जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके अशोक डाटा को भाजपा में शामिल कर लिया गया। मैं इस अवसर पर किशनगढ़ की जनता को भी धन्यवाद देता हूं। हमारी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय तारामणि जी सिंगल को 16 मत दे के 25 में से बहुमत से जिताया। मैं आपके माध्यम से किशनगढ़ की जनता को, खैरथल की जनता को धन्यवाद देता हूँ और हम अच्छा काम करके दिखाएं। हमारी टीम नई बनी है, सब लोग साथ कर मिल करके काम करेंगे।